स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर साँचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित कुछ असामान्यताओं के बारे में और इन असामान्यताओं के कारण कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उनकी बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है अपना, ये 12th बायोलॉजी का लेसन नंबर 22। आज का ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में, पाचन तंत्र की असामान्यताओं के बारे में। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बताया है कि यदि बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार नहीं लिया जाता है तो संतुलित आहार के नहीं होने से शिशु अवस्था में निम्न रोग या असामान्यताएं उत्पन्न होती है। तो बेसिकली आज हम क्वाशियोर कॉर्प मैरास्मस, जिसे सूखा रोग कहा जाता है, ज़ीरोथैल्मिया और गोइटर गलगंड के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन रोगों के बारे में, ये रोग क्या है और किस प्रकार होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इन चार प्रमुख असामान्यताओं के बारे में, इन चार प्रमुख रोगों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वाशियोर रोग के बारे में। ये जो रोग है इसे PEM प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता, अंग्रेजी में कहना चाहिए प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, यानी जो क्वाशियोर कोर असामान्यता है ये प्रोटीन और ऊर्जा की अपूर्णता का एक परिणाम है कि जो बैलेंस डाइट हम लेते हैं, जो भोजन लिया जाता है, अगर वो भोजन प्रोटीन की कमी वाला है, यानी किसी शिशु को जो भोजन दिया जा रहा है और अगर उस भोजन में प्रोटीन की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम है तो ऐसी PEM असामान्यता क्वाशियोर कोर कहलाती है। यानी ये असामान्यता भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। जनरली क्या होता है क्वाशियोर कोर में,
कि अफ्रीकन देशों, जो अफ्रीकी देश हैं, वहां के शिशुओं में ये एक सामान्य रूप से होने वाली असामान्यता या रोग है। अफ्रीकी देशों में क्या होता है कि माताएं अपने शिशु को स्तनपान करवाना जल्द ही बंद कर देती है और इस कारण शिशु को पर्याप्त प्रोटीन जो वृद्धि के लिए आवश्यक है नहीं मिल पाता, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा, कई ऐसे देश हैं जहां पर शिशुओं को जो भोजन दिया जाता है उसमें मक्का का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है और मक्का है उसके अंदर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड नहीं होता, तो शरीर में ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की कमी हो गई, तो उस कारण भी ये क्वाशियोर कोर असामान्यता उत्पन्न हो जाती है। अब किसी शिशु में ये रोग हुआ या ये असामान्यता हुई तो उसके लक्षण क्या होंगे? त्वचा सूखी हुई है, पर्पटीमय त्वचा है, शिशु के जो रोम है, बाल है, वो पतले हो जाते हैं, अत्यधिक झड़ने लगते हैं, पेट बाहर निकल के आ जाता है और शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है। इस स्थिति को क्वाशियोर कोर नाम दिया गया है और ये एक PEM प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता है और क्वाशियोर कोर में केवल प्रोटीन की कमी होती है, यानी शिशु के आहार में जितनी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए उतनी मात्रा में प्रोटीन उपस्थित नहीं होता। नंबर 2, मेरिस्मस सूखा रोग की बात करते हैं। क्वाशियोर कोर के समान मेरिस्मस भी एक PEM प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता का एक उदाहरण है। लेकिन अगर मैं अंतर करता हूं क्वाशियोर कोर में और मेरिस्मस में, तो अंतर क्या होगा कि जो क्वाशियोर कोर है इसमें तो आहार में प्रोटीन की कमी, लेकिन अगर मैं मेरिस्मस की बात करूं तो जो भोजन शिशु को दिया जा रहा है वो कम कैलोरी वाला है, ऊर्जा कम मिल रही है, यानी उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, पर्याप्त मात्रा में वसा, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है। तो जितनी आवश्यकता शिशु को कैलोरी की है, ऊर्जा की है, और जो भोजन दिया जा रहा है वो उस आवश्यक कैलोरी वाला, आवश्यक ऊर्जा वाला नहीं है, इस स्थिति को मेरिस्मस नाम दिया गया है। तो अभी जो 2 रोगों की हमने बात की, क्वाशियोर कोर की और मेरिस्मस की, सूखा रोग की, ये दोनों ही रोग PEM कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता का उदाहरण है।
लेकिन दोनों में अंतर है कि जो क्वाशी और कोर है ये एक ऐसी पीईएम असामान्यता है जिसमें भोजन में प्रोटीन की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम होती है, जबकि मैरास्मस जो सूखा रोग है वो एक ऐसा पीईएम रोग है या असामान्यता है जिसमें भोजन में कैलोरी ऊर्जा की मात्रा आवश्यक मात्रा से कम होती है। अच्छा, अगर हम क्वाशी और कोर और मैरास्मस सूखा रोग के सिम्टम्स लक्षण देखते हैं तो उसमें भी हमें अंतर दिखाई देते हैं। जैसे क्वाशी और कोर में हमने कहा था कि बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, जबकि मैरास्मस में बालों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, जबकि दोनों ही स्थितियों में शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, त्वचा सूखी हुई सी परपटी युक्त दिखाई देती है। ये सामान्य लक्षण हैं इन दोनों ही असामान्यताओं के। तो अभी हमने पहले बात की पीईएम के बारे में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीईएम का पूरा नाम पूछा जा सकता है और मानव में ऐसे किन्हीं दो रोगों के बारे में, किन्हीं दो असामान्यताओं के बारे में पूछा जा सकता है जो पीईएम श्रेणी में कैटेगरी में आती है। पूरा नाम आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में मैंने यहां लिखा हुआ है प्रोटीन ऊर्जा आहारीय अपूर्णता। और दो जो एग्जाम्पल हैं इस कैटेगरी के वो है क्वाशी और कोर और मैरास्मस सूखा रोग। यहां तक ठीक। अब WHO ने और कौन से रोग डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित मार्क किए हैं, पहचाने हैं, उसमें तीसरा है ज़ीरोथैलेमिया। तो यहां एक चीज याद रखें, हम कल बात कर रहे थे विटामिन्स के बारे में और हमने बात की थी वसा में घुलनशील विटामिनों की, जल में घुलनशील विटामिनों की, और वहां हमने ये मेंशन भी किया था कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी असामान्यता या कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो उसमें हमने विटामिन सी की कमी से इस स्कर्वी रोग के बारे में बताया था आपको, ऐसे और भी कई रोग हमने वहां पर डिस्कस किए थे। तो WHO ने ज़ीरोथैलेमिया करके एक असामान्यता सम्मिलित की है। अगर विटामिन ए की कमी, रेटिनॉल के नाम से जिसे जाना जाता है, अगर आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए का प्रीकर्सर नहीं है तो जो असामान्यता उत्पन्न होती है वो ज़ीरोथैलेमिया असामान्यता है।
नेक्स्ट बात करेंगे गलगंड की। गोइटर के नाम से जाना जाता है। इस रोग के बारे में हम जब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़े, अलग से चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम का, अंतःस्रावी तंत्र का, तो वहां डिटेल पढ़ेंगे या शॉर्ट में बात करते हैं कि जो हमारी डाइट है, जो हमारा आहार है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स और उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो मिनरल्स, खनिज लवणों का है। तो जो अगली असामान्यता हम बात कर रहे हैं गलगंड, गोइटर, ये भोजन में या जो डाइट हम लेते हैं उसमें आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली असामान्यता है। तो आयोडीन एक मिनरल्स है जिसे हम भोजन के रूप में न्यूनतम मात्रा में ग्रहण करते हैं, यानी हमारी डाइट में अल्प मात्रा में खनिज लवण होने चाहिए। और ऐसा ही खनिज लवण आयोडीन है। तो अगर शिशु को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन प्राप्त नहीं होता है या उसे ऐसा आहार दिया जा रहा है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गलगंड रोग उत्पन्न होता है। मानसिक विकास जो है शिशु का प्रभावित होता है। इसके अलावा एक पांचवी स्थिति एनीमिया की, अरक्तता की है, जो लोह तत्व की कमी, भोजन में आयरन की कमी प्लस विटामिन B12 जिसको साइनेकोबेलेमिन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आहार में लोह तत्व की कमी है और विटामिन B12 साइनेकोबेलेमिन की कमी है तो RBC के निर्माण की दर धीमी हो जाएगी, RBC की संख्या कम हो जाएगी, लाल रुधिर कणिका होगी। इसी स्थिति को अरक्तता एनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित कुछ असामान्यताओं की, कुछ डिसऑर्डर की बात की, जिसमें से क्वाशियोरकोर और मैरास्मस जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, ये दोनों प्रोटीन, ऊर्जा, आहारीय अपूर्णता का उदाहरण है। जीरोथैल्मिया की बात की, जो विटामिन ए की कमी के कारण होने वाली एक असामान्यता है, और फिर गलगंड की बात की, जो भोजन में आयोडीन, खनिज लवण है, उसकी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली असामान्यता है। फिर हमने बात की थी एनेमिया, अरक्तता की, जो भोजन में लोह तत्व आयरन और भोजन में साइनेकोबेलेमिन विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली एक असामान्यता है। ये असामान्यताएं सामान्यतः उन क्षेत्रों में, उन देशों में दिखाई देती हैं जहां पर कुपोषण की समस्या है, वहां पर शिशुओं को संतुलित आहार
उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो संतुलित आहार यानी जिसमें आवश्यक मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स ये सब होने चाहिए, तथा साथ ही साथ वो जो भोजन है वो आवश्यक मात्रा में कैलोरी ऊर्जा भी प्रदान करे। अगर ऐसा संतुलित आहार है तो शिशु की सामान्य वृद्धि होती है, मानसिक शारीरिक दोनों ही प्रकार की। और अगर वो संतुलित भोजन नहीं है तब ऐसी स्थिति में शिशु की वृद्धि, चाहे वो मानसिक वृद्धि हो चाहे वो शारीरिक वृद्धि हो, वो प्रभावित होती है और हमें कई असामान्यताएं दिखाई देती है। तो आई होप आज का ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। और अब तक हमने एनिमल फिजियोलॉजी जो हमारी यूनिट नंबर 6 थी इसके दो चैप्टर डिस्कस कर लिए। एक हम लोगों ने डिस्कस किया था अध्यावरण तंत्र को और एक हम लोगों ने डिस्कस किया मानव में पाचन तंत्र को। कल से हम लोग बॉटनी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो पहली 5 यूनिट हैं आपकी वो वनस्पति शास्त्र बॉटनी से रिलेटेड है, तो कल से हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो जूलॉजी का पोर्शन है जिसमें यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10th तक है, तो हम उसमें से यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10 ये कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 6 के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इस यूनिट में 3 चैप्टर रिमेनिंग है और यूनिट नंबर 7 के 5 चैप्टर रिमेनिंग है, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। कल से बॉटनी के कुछ चैप्टर, कुछ यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक जितने भी चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किए यूट्यूब पे इनके सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस पर अपनी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।